सो व्यूअर्स, यहाँ पे एक भाई को जो कि बड़ी फिश लग चुकी है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सी वाली फिश लगी है। तो यहाँ पे एक भाई को जो कि लग चुकी है एक बड़ी वाली फिश, एक जो कि लेडी एंगलर है। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया कोसुंकर है। ओके, और आप कहाँ से? रत्नागिरी से हो क्या? रत्नागिरी से हो, तो आप भी यहाँ स्पोर्ट्स फिशिंग एसोसिएशन इनका दूसरा फिशिंग टूर्नामेंट रत्नागिरी के जिला में हो रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिम को ब्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग को टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा लग चुका होगा ही कि हमारा आज का वीडियो किस बारे में है। तो व्यूअर्स, अभी मैं आ चुका हूँ रत्नागिरी के भाटिया बीच पे, और यहाँ पे हो रहा है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिशिंग कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट हो रहा है, और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है रत्नागिरी फिशर्स क्लब ने। और यहाँ पे जो कि इंडिया से हर स्टेट से यहाँ पे फिश के एंगलर आ चुके हैं, फिशिंग एंगलर आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा सा टूर करके बताता हूँ वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कितने एंगलर्स है और उसका क्या क्या सीन है। आसिफ भाई, यहाँ पे एक फिशिंग की टूर्नामेंट हो रही है ना? जी जी सर। ओके, तो ये टूर्नामेंट किसने ऑर्गेनाइज किसने की है? सर, ये हम लोगों ने अपना एक ग्रुप है रत्नागिरी फिशर्स क्लब, रत्नागिरी फिशर्स क्लब, इसको ऑर्गेनाइज किया है सर। ओके ओके, और यहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेटली कितने कितने एंगलर आ चुके हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटली 85 ऑन फील्ड ऑन बीच फिशिंग कर रहे हैं, 85 एंगलर्स और पूरे एक्टिव फिशिंग कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ से आए हैं हमारे व्यूअर्स को बताइए। यहाँ पे अपने पास एंगलर्स लोग बाहर के स्टेट से, जैसे केरल से, तमिलनाडु से, और महाराष्ट्र में अलीबाग, पुणे, मुंबई और बाकी कई जगह से आए हैं। ओवरऑल इट इज अ नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, इंडिया की बिगेस्ट फिशिंग टूर्नामेंट उसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसकी एंट्री फी क्या थी? इसकी एंट्री फी अगर, इसकी एंट्री फी 1500 रुपये थी, और इसके साथ में आपको बहुत कुछ फैसिलिटी भी आपको मिलता है। जैसे जो भी कॉम्पिटिटर रहते हैं उनको एक टी शर्ट मिलता है जो RFC का तरफ से रहता है, और उसके साथ में आपको सब पूरा दिन भर का नाश्ता, खाना, स्नैक वगैरह सब आ जाएगा। और बाकी विनर्स को उनके हिसाब से प्राइस भी है, 20,000 फर्स्ट प्राइस कैश प्राइस है, सेकंड प्राइस 15,000 है, और थर्ड प्राइस 10,000 कैश प्राइस है, और उसके साथ में बहुत सारे टैकल के सामान हम लोग दे रहे हैं, एक्सेसरी मिलेगी उसके साथ, वर्थ 2 लाख रुपीज के जितने का हम लोग टैकल दे रहे हैं इसमें। और इसको जो जज करने के लिए मार्शल भी आ चुके हैं ना? जी जी, इसके लिए हम लोगों ने बहुत मार्शल्स को रखे हैं, एवरी 10 एंगलर्स के बीच में एक मार्शल को रखे हैं, ट्रेंड मार्शल को रखे हैं। थोड़ा बात करते हैं यहाँ के जो इस टूर्नामेंट के मार्शल्स है। सर आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ शिवलकर। सिद्धार्थ सर, तो सिद्धार्थ सर ये वाला रिपोर्ट कार्ड है क्या आपका? मार्शल का रिपोर्ट कार्ड है। हाँ हाँ, ओके। इधर पे एंगलर का नेम है। ओके, एंगलर का नेम है। ओके, और इधर पे जिस एंगलर ने जो फिश निकाला है उसका फिश का नेम आएगा, और बाद में उसका वेट आएगा। ओके, तो आप अभी यहाँ पे कितने एंगलर को आप यहाँ पे ये कर रहे हो, जज कर रहे हो यहाँ पे? इधर पे 10 एंगलर को इधर पे जज कर रहा हूँ। मैंने एक मार्शल के पास 10-10 ऐसे दिए हुए हैं। ऐसे अपने पास 8 मार्शल है, 80 कॉम्पिटिटर। हाँ, तो यहाँ पे भाई से अगर पूछ लेते हैं कि भाई ये जो एंगलर्स यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे रखा हुआ है? 10 मीटर्स दो एंगलर्स के बीच में हमने डिस्टेंस रखा है, इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी मतलब रूल फॉलो हो रहा है, और एक दूसरे को मतलब कास्टिंग के समय कोई भी तकलीफ भी नहीं हो रही है। okay, इसकी वजह से लोगों में दो पार्टिसिपेट के बीच में हमने 10 मीटर का डिस्टेंस रखा है। और जो इनको फिश मिलेगी उसको आप रिलीज भी करने वाले हो ना? जो फिश मिलेगी इसको टैकल होगी। हम लोग ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स फिशिंग करके अरेंज किए, इसलिए इसको हम स्पोर्ट्स के हिसाब से देखते हैं। तो जो भी मच्छी कोई भी एंगलर पकड़ता है यहाँ पे, तो हम लोग उसको हुक निकाल के उसे छोड़ देते हैं जिंदा पानी में। ओके ओके, हमें कोई भी मच्छी किल नहीं करनी है इसमें। ओके ओके, तो यानी जो मिलेगी वो फटाफट आप मार्शल से उसका फोटो क्लिक करके, और मार्शल से फोटो क्लिक करने का, उसका टाइम नोट डाउन करने,
और बाद में वेट लेके उसको रिलीज कर दिया जाता है। अभी जिस अभी किसी को मच्छी मिला तो आप उसको देख सकते हैं कि अभी जैसे मिलेगा हम लोग तुरंत उसको रिलीज कर देंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पे एक भाई को जो कि बड़ी फिश लग चुकी है, तो एक बार देख लेते कौन सी वाली फिश लगी है। तो यहाँ पे एक भाई को जो कि लग चुकी है एक बड़ी वाली फिश, काटून दे झगड़े, देखते हैं लगी है। क्या होता है, उल्टी है परी, उल्टी है थाम गाई नको करू। कुटी लगली हो, कुटी लगली है, शेवती शेवती स्टिंग रे, स्टिंग रे, तो स्टिंग रे लग चुकी है जो कि मार्शल कहना है। उल्टी है, जातना है, जातना है, उल्टी है, थामून रहा आसिफ भाई, रॉड पकड़ सकते हैं ना दूसरा उसका पास में, वो रॉड पकड़ सकते हैं ना उठाने के लिए। उल्टी है, उल्टी है, काय घाई नको करू, जात नाही ती। ये मागे मागे चल, आता नाही जात ये। तो व्यूअर्स, यहाँ पे भाई को जो कि लग चुकी है एक बड़ी साइज की स्टिंग रे। टाक डोल्यात बोटा टाक, दोन्ही जातात, टाक टाक बिंदास टाक, धर आता काय नाही करत, ताम बसते, उचल 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 फक्त पंडा उचल, बास बास ठेव ठेव ठेव, चल ठेव बास आहे, बास 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 ठेव, सोडायचे हे बाजू अजय, हे कुठे गेला मार्शल। तो अभी यहां पे मार्शल आ रहे हैं जो कि इसका वेट चेक करेंगे। तो ये भाई को जो कि लग चुकी है, उल्टी कर, दिला उल्टी कर, चला भाई दिला उल्टी कर, हां सिद्धून पायडा जाना, पलटी मार, मार हां मार पलटी, त्या बाजूला मार, उचल जोर त्या बाजूला, हां आणि घरी काढ, दिला नाही किती वाटते तुम्हाला, किती किलोची असणार वाटते तुम्हाला, किती किलोची वाटते तुम्हाला असणारी, 10 किलो बरे नसेल, 10 किलो जो की 10 किलो तक इसका वेट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे एक एंगलर का कहना है। रॉड मागे ठेव, इधर जा रॉड मागे ठेव। सो ये भाई को जो कि लग चुकी है, सहा 195 परिमन, 165 डाक, चल चल लवकर रिलीज करा चला। सो यहाँ पे अभी इस फिश को जो कि रिलीज कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो के फिश को कैच करने के बाद उसको यहाँ पे रिलीज भी किया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो के इसका वेट है 6.195, तो उसको रिलीज कर चुके हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने देखा ही होगा जो कि परिमल थे, वो काफ़ी कितने टाइम से आप उस फिश के पीछे थे, आप उसको कितने टाइम से, एक घंटा पूरा हुआ था। हाँ, एक घंटे से आप मतलब ये 9:15 पे कैच किया था, 9:15 को कैच किया था। ओके, अभी कितना बज रहा है, 11 के ऊपर अभी 11 अभी 11:30 के ऊपर हो चुके थे, और जो कि बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद उनको जो कि 6.195 kg का स्टिंगरे मिला है, और शायद
सेकंड हो सकते हैं। और आप अभी इसका और करने वाले हो कि अभी आप अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हो क्या? नहीं अभी पकड़ने के लिए जाऊंगा। सो व्यूअर्स अभी इनको जो कि 6.195 का उनको एक स्टिंगरे मिला है और अभी फिर से अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर से अभी जाने वाले और आई होप उनको बड़ी फिश मिल जाए जो कि 10 kg के ऊपर। तो आपको ऑल द बेस्ट। यहाँ पे एक जो कि लेडी एंगलर है, तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया कोसुंबर है। ओके, और आप कहाँ से? रत्नागिरी से हो क्या? रत्नागिरी से हो, तो आप भी यहाँ पे फिशिंग टैकल कर रहे हो? जी। ओके, और कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? कंपटीशन में फर्स्ट टाइम है। हाँ। और इसी साल हमने नया नया सीखना शुरू किया। ओके, जो दूसरे गर्ल्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको फिशिंग भी एक स्पोर्ट्स है, अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ओके ओके, और थोड़ा सा मतलब फिश कैच करके अपने एंजॉयमेंट से, अगर आप बीच पे रहते हो तो बीच के पास फिशिंग कर सकते हो या कोई अपने नदी की साइड में जो नदी में भी आप कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो आपको ऑल द बेस्ट, आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ी मच्छी मिले। मच्छी भी निकाली है। हाँ, कौन सी वाली मच्छी निकाली है उन्होंने? एक गिटार फिश निकाला है। ओके, तो ऑलरेडी शी हैज लैंडेड अ गिटार फिश। एंड मैं बहुत से हमको यूट्यूब के क्रिएटर भी मिले, तो हमारे साथ यहाँ पे रत्नागिरी के दो बड़े यूट्यूबर है, एक तो है हमारे साथ ऋषभ भाई। ऋषभ कसा है तू? मैं एकदम मस्त, बरं वाटलं साकीब भाईला भेटून। तुमच्यापासून इच्छा होती साकीब भाईला भेटायची, आज शेवटी इच्छा आमची पूर्ण झालेली आहे आणि अनुभव भाई पण भेटलेले आहेत आम्हाला इथे। हाँ, सो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ऋषभ भाई जो कि हमारे रत्नागिरी के मराठी में ब्लॉग्स बनाते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आपको अगर आपको रत्नागिरी के ब्लॉग्स और मराठी कोकनी ब्लॉग्स देखने हैं तो ऋषभ भाई के चैनल पे भी जरूर विजिट करें। बहुत अभी 100K के करीब पहुंचने वाले हैं, तो भाई को ऑलरेडी आपको 100K की शुभकामनाएं। थैंक यू। और हमारे साथ अनीस भाई भी है जो कि आप तो उनको जानते होंगे, जो कि हमेशा मिलते रहते जो कि दुबई के ब्लॉग्स बनाते हैं, अभी जो कि इंडिया में आ चुके हैं, अब वो शायद रत्नागिरी को भी कवर करेंगे। तो ऋषभ भाई और अनीस भाई के चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर देना। और ऋषभ भाई और अनीस भाई, आप रत्नागिरी के वीडियो बनाने वाले हो ना हमारे व्यूअर्स के लिए? यस। वैसे तो ऋषभ भाई तो बनाते हैं, तो ऋषभ भाई भी आज यहाँ पे फिशिंग जो कि टूर्नामेंट है वो भी कवर करने वाले ना? हाँ नक्कीच, कारण आज आपल्या रत्नागिरीमध्ये एवढी मोठी कॉम्पिटिशन होत आहे की आपल्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे, आणि ती तर आपल्याला कवर करायलाच पाहिजे। आसिफ भाई, ये वाले क्या अभी भाई आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं? ये वाले भाई हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई एंगलर को कोई चीज़ की ज़रूरत रहेगी या कहाँ पे कुछ कैच हो रहा है तो हम लोग वो उसको ये करते हैं, एंटरटेन करते हैं। ओके ओके, और यहाँ पे सो व्यूअर्स मैं आपको मिलाता हूँ जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे यंग और छोटे एंगलर से। तो क्या नाम है आपका? रुहान। और कहाँ से हो आप? रत्नागिरी। रत्नागिरी से हो जो कि इस टूर्नामेंट के सबसे छोटे एंगलर है। तो कितनी साल की उम्र है आपकी? 9 साल की। और आप अभी कुछ फिश मिली आपको अभी? नहीं। तो अभी आपके डैडी है ये? नहीं, अंकल है। तो ये इनके अंकल है, तो रुहान नाम है ना आपका? हाँ। तो ठीक है, चलो आपको ऑल द बेस्ट। सो व्यूअर्स, इस टूर्नामेंट में यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब के क्रिएटर भी आ चुके हैं, तो हमारे साथ एक भाई है। तो भाई आपका नाम क्या है? राशिद। राशिद भाई, तो राशिद भाई आप कहाँ से आए हो? मुंबई से आए हो। मुंबई से आए हो, ओके। तो राशिद भाई एक यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर है, तो राशिद भाई हमारे व्यूअर्स को बताए कि आपके चैनल पे आपके चैनल का नाम क्या है सबसे पहले बताइए? मेरे चैनल का नाम है फिश ऑन रीफ। फिश ऑन रीफ इनके चैनल का नाम है। और किस टाइप का कंटेंट हमारे व्यूअर्स को देखने मिलेगा? मेरे कैचेस शेयर करता हूँ मैं, टेक्निक शेयर करता हूँ कैसे मछली पकड़ना है, कौन सा टाइमिंग पे पकड़ना है, मून फेजेस, टाइड के टाइम पे कौन सा टाइड में सिलेक्ट करना है, ऐसे सब प्रॉपरली एकदम वेल एक्सप्लेन किया। राशिद भाई इनका नाम है और जैसे कि भाई ने बताया, और ये आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव इनका चैनल है, तो इनके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो फटाफट राशिद भाई के चैनल को भी जाके चेक कर लो, जैसे कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। जो कि 5 बज चुके हैं और जो कि मार्शल्स ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो भी एंगलर कास्टिंग कर रहे हैं वो रोक दे, क्योंकि कास्टिंग करने का टाइम था 5 बजे। और वहाँ पे हम लोग चल के चेक कर लेते हैं, वहाँ पे जहाँ पे प्राइस
का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे अपने को पता चलेगा जब मार्शल्स अपना रिपोर्ट कार्ड वहाँ पे सबमिट करेंगे कि किस किस एंगलर को कौन कौन से साइज की फिश मिली है। ₹1,000 डाइवा कैटम कैटफिश डाइवा रील लुकाना की ओर से स्पॉन्सर की गई है ₹10,000 और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जिनको जाता है उसका नाम है संजू पाटिल। वेलकम और यहां पर ये ट्रॉफी दी जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय किरण जी सामंत सर इनके शुभ हस्ते तीसरे नंबर की ट्रॉफी और ₹10,000 की धनराशि यहां पर देते हुए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। 10,000 नगद रुपए और साथ ही साथ लुकाना की ओर से स्पॉन्सर की गई है पूरा किट जो कि आने वाले समय में उनको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। जो लुकाना के यहाँ पर सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पर उनको दिए हैं। और दूसरे नंबर का प्राइस जो कि ₹15,000 ₹15,000 फिर से एक बार बताना चाहूंगा यही किट है लुकाना की ओर से स्पॉन्सर है और ये 15,000 का प्राइस और ट्रॉफी जाती है परिमल मायनक। वेलकम ₹15,000 और लुकाना की ओर से स्पॉन्सर की गई डाइवा प्रेस स्पैनर रॉड डाइवा रील और देखा जाए तो ये बहुत ही ब्रांडेड चीज है। और मैं गुजारिश करूंगा दीपक जी सालवी सर इनके शुभ हाथों से ये पूरा किट और ₹15,000 की धनराशि दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों रत्नागिरी फिशर्स क्लब ऑपरेटर बाय स्पोर्ट फिशिंग एसोसिएशन रत्नागिरी इस ट्रॉफी का विनर बना है जिसने ₹20,000 की धनराशि जीती है और इस पहले टूर्नामेंट में अपना नाम लिखा है उसका नाम मेरे सामने बताना चाहूंगा सुशील वारांग। बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों उन्होंने कितनी बड़ी मछली निकाली है समंदर से 10.41 kg इस तरीके की फिश है और फिश का नाम है स्टिंग रे और उसको क्या कहा जाता है वागड़ी। सच में नाम बड़ा है वाघ तो निश्चित रूप से मिलेगा और मैं आदरणीय किरण जी सामंत सर इनसे गुजारिश करूंगा ₹20,000 की धनराशि और लुकाना की ओर से दी हुई है ब्रांडेड किट जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। ओहो क्या सुनहरा आयोजन है और यहां पर ये विनर बने हैं मेरे दोस्तों सुशील वारांग 10.41 kg वागड़ी मछली निकाल कर यहां पर उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है और मैं गुजारिश करूंगा मेरे दोस्तों आपसे उम्मीद रहेगी कि हर साल इसी तरीके से आप जो है सपोर्ट करते रहे रत्नागिरी फिशर्स क्लब को ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहिए। ये जो ऑर्गेनाइजर है ये जो सपोर्टर है इनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।